लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले मतदाताओं का मूड भांपने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री यूपी के मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान ने रोहतक लोकसभा के कोसली विधानसभा में दो दिन का प्रवास किया। भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी या फिर आम आदमी चाय से लेकर खाने तक लोगों के बीच पहुंचकर उनके मन की बात जानी। इस दौरान उनके साथ रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव भी मौजूद रहे। प्रवास के दूसरे दिन कोसली के लोगों की आस्था का केंद्र कोसली मठ स्थित मुक्तेश्वर धाम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। वहीं पत्रकारों से भी रूबरू हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शर्मा के खिलाफ चल रहे धरने के सवाल से बचते हुए भी दिखाई दिए। वहीं पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को नसीहत देते हुए यहां तक कह डाला कि उनको गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वहीं बढ़ती जनसंख्या को लेकर भी जवाब दिया। अब आपको दिखाते हैं कि कोसली पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने क्या कहा। मैं तो आपके बीच में हूं दो दिन से, तो अभी मैंने आज सुबह के अखबार में पढ़ा है, तो जाके इसके बारे में कुछ जानकारी मैं लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत जानकारी, जब तक कोई बातचीत ना हो सिर्फ अखबार के माध्यम से, तो जाके मैं इस बारे में बताऊंगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाए? देखिए, एज ए मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान, मैं चाहता हूँ देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, लेकिन वो मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है, मंत्रिपरिषद के सदस्य के नाते जो सामूहिक सरकार की जिम्मेदारी। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि देश में जनसंख्या नियंत्रण का कोई ना कोई वो होना चाहिए। आज हम दुनिया में नंबर एक जनसंख्या पे, लेकिन जो बड़े देश हमारे आसपास हैं, चीन है, वो हमसे बहुत बड़े हैं। अगर भूभाग देखें तो बहुत बड़ा है, और वाकई जनसंख्या नियंत्रण के बिना देश को आगे बढ़ाना, अब इतने काम हुए हैं सरकार में, प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ इस पर कहीं कदम उठाने पड़े। जेएनके के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर देश में सीबीआई पूछताछ कर रही, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा, जब वो राज्यपाल थे तो अगर कोई बात थी उन्हें जब रखनी चाहिए थी। आप एक संवैधानिक पद के बाद इस तरह की बातें अगर करेंगे तो जनता का इन बातों से विश्वास उठेगा, और जिस तरह की बात कर रहे हैं कोई सिर और पैर उसका मुझे दिखाई नहीं देता, कम से कम कि कहीं कोई सिर और पैर है। और देश की जो सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो जनता के बीच में रख रहे हैं, और अपने हाइपोथेटिकल माइंड से रख रहे हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। उन्हें कम से कम इतने सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, इतने बड़े बड़े पदों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बनाया, चुनाव भी लड़ाया, और भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर भी बनाया, तो अपनी गरिमा के अनुसार उन्हें व्यवहार करना चाहिए। सूडान में फंसे भारतीयों के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, भेजे हैं जहाज उन्हें लेने के लिए, और मुझे जल्दी लगता है सब लोग आए, लेकिन जब आया तो उस समय में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपने इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, मुझे नहीं लगता इस देश में कोई इलाका ऐसा होगा कि जिसने इतने लंबे समय तक ऐसी ऐसी लड़ाइयां लड़ी। तो मेरा सौभाग्य है कि वीरों की धरती पे पाया, और सबसे बड़ी बात ये पता लगी कि बाबा मुक्तेश्वर पुरी की वजह से ये गाँव बसा, ये मठ बना, इसके आशीर्वाद से यहाँ चारों तरफ हुआ है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से कमेटी का, मंदिर की, सबका, कि आपने मुझे दर्शन करने का सौभाग्य इस मंदिर के दिया, इस भूमि के दिया, और बहुत सी बातें यहाँ हुई। ये तो ही कि कोसली विधानसभा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रोहतक लोकसभा है, नहीं तो नहीं है। पहले भी आपने जिताया और आगे भी आप ही जिता सकते, और किसी के हाथ में जिताना बिल्कुल नहीं है। तो कल से बहुत सी बातें इस क्षेत्र के बारे में, निश्चित रूप से मेरा काम है एक अच्छे डाकिया की तरह आपकी सारी बातें दिल्ली पहुंचाना। मेरा काम यह डाकिया की भूमिका में हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों की जो भावनाएं हैं, जो बात है, कल कर्नल साहब के साथ बैठे बहुत सी बात हुई। 2013 में भी यहीं से माहौल बनना शुरू हुआ था, और विशेष रूप से हमारे फौजी भाइयों ने मोदी जी माहौल की शुरुआत की थी। सबसे बड़ी अगर रैली कह सकते हैं कोई देश प्रधानमंत्री बनने से पहले तो शायद रिवाड़ी की फौजियों की रैली थी। लगातार सैनिकों का विशेष रूप से स्नेह भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहा है, यह आपने महत्वपूर्ण बताया है। कर्नल साहब के 2015 से एम्स यहाँ हो रहा है, और किसी न किसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो सबसे पहला तो मेरा प्रयास ही रहेगा कि उसे योजना को मैं धरातल पर उतरवाने में आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूं। मेरा प्रयास रहेगा, आप सबका बहुत अभिनंदन।